साथियों, आज 27 जुलाई 2020 की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। सरकारी जो कॉलेज हैं उनमें कल से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो चालू हैं 29 अगस्त से क्लासेज। सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 जुलाई से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। कॉलेज आयुक्तालय के अनुसार स्टूडेंट के मूल दस्तावेज भी कोरोना की परिस्थिति सामान्य होने के बाद भी जांचे जाएंगे। एडमिशन के लिए स्टूडेंट 28 जुलाई से 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 अगस्त तक कॉलेज ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। 17 अगस्त को कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। 22 अगस्त तक स्टूडेंट ई मित्र से फीस जमा करा सकेंगे। इसके बाद 29 अगस्त से फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की प्लानिंग है। गौरतलब है कि इस बार परसेंटाइल फार्मूले से एडमिशन नहीं होंगे, 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। दूसरी खबर ये निकल के आई है, 12वीं और डिप्लोमा के अंकों के आधार पर बीटेक में प्रवेश होगा। जी हाँ साथियों, प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 30 जुलाई से छात्र फॉर्म भर सकेंगे। रिप में आने वाली प्रदेश की सीटों पर 12वीं और डिप्लोमा के अंकों के आधार पर एडमिशन होंगे। तकनीकी शिक्षा शासन सचिव सुचित शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इस साल रजिस्ट्रेशन फीस में कटौती करते हुए सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। साथ ही केंद्रीकृत प्रदेश प्रक्रिया रिप 2020 के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर प्रवेश 12वीं तक तथा डिप्लोमा के प्राप्तांकों के आधार पर किए जाएंगे। छात्रों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल रिप के तहत करीब 100 कॉलेजों में 40,000 सीटें थी।